हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर जोगिया बाईपास के निकट 4 बजे के करीब इको गाड़ी और स्कूली बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 2 की मौके पर मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बोधला नारायण नगर के कुछ लोग सोमवार को इको गाड़ी में सवार होकर अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस के निकट गांव रामपुर में एक गमी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। यह सभी लोग दोपहर को गमी में शामिल होने के बाद वापस आगरा लौट रहे थे। जैसे ही सभी लोग हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ बाईपास स्थित गाँव जोगिया के पास पहुंचे, इसी बीच स्कूली बस ने इको गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय उषा और 35 वर्षीय विमल निवासी गण नारायण नगर बोधला आगरा की मौके पर ही मौत। इसके अलावा मुन्नी देवी सुरेश, सर्वेश पवन और जितेंद्र निवासी गण आगरा गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ जा रहे थे? आगरा। कितने लोग थे आप इको में? 7 लोग थे। ड्राइवर को जोड़कर कितनी महिला, कितने पुरुष थे? 2 महिला थी, 5 पुरुष थे आप और ड्राइवर। तो टाइम में एक्सीडेंट हुआ है? बस से टकरा रही है, स्कूल बस है।